2024 में YouTube पे शॉर्ट वीडियो अपलोड कर करके थक चुके हो, लेकिन आपका एक भी शॉर्ट वायरल नहीं हो रहा है। 500 या 600 1000 शॉर्ट अपलोड कर दिए हो, लेकिन आपका एक भी शॉर्ट वायरल नहीं हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है पता है आप लोगों को, कभी कभी अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलते हैं तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। वही फॉर्मूला इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, लेकिन आप लोग भी इस वीडियो को स्किप करोगे, स्किप नहीं करना है आपको। अगर इस वीडियो को स्किप कर दोगे तो इस फॉर्मूले के बारे में आपको नहीं पता चल पाएगा। जो चीज मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, अगर इस चीज को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो 100% आप अपने शॉर्ट वीडियो को, मैं एक रोज में नहीं बोल रहा हूँ, 10 या 15 या एक महीने में कंटिन्यू कोई भी काम को अगर एक महीने या 15 रोज करते हो कंटिन्यू, तभी आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन आप लोग सोचो कि भाई आज मैं स्टार्ट किया हूँ कल मुझे अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इतना शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है, इसमें टाइम देना पड़ता है, कम से कम 15 रोज से लेके एक महीना तक, तभी आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। लेकिन जो फॉर्मूला जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, इस तरीके को आप अपने शॉर्ट वीडियो में अप्लाई कर लेते तो 100% आपका शॉर्ट वीडियो वायरल होगा। लेकिन आपका सवाल यहाँ पे आएगा कि भाई पहले अपना वायरल करो। भाई मेरा शॉर्ट चैनल नहीं है, मेरा लॉन्ग चैनल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाते हैं शॉर्ट वीडियो में कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, कौन सा ऐसा तरीका है जिस तरीके को आपको एक बार इस्तेमाल करके देखना चाहिए, कम से कम 15 रोज के लिए, ज्यादा दिन के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम 15 रोज के लिए इस्तेमाल करो, 100% आपको अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कांटे के निशान को ऑल पे सेट कर देना। जब भी मैं किसी सोशल मीडिया से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग भी अपने YouTube चैनल पे शॉर्ट वीडियो अपलोड कर करके थक चुके हो, लेकिन एक भी शॉर्ट वीडियो आपका वायरल नहीं हो रहा है, लेकिन आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपने शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते हो, सब कुछ अच्छा करते हो, लेकिन फिर भी आपका एक भी शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, तो आज मैं दिखाता हूँ कि शॉर्ट वीडियो में गेम कौन सा खेलना है। तो सबसे पहले जैसे आप अपने शॉर्ट वीडियो को अपलोड किए हो, कुछ इस तरीके से देख सकते हो हमारे इस वीडियो में कितना व्यूज आया है, 22,000 व्यूज आया है। इस वीडियो में 22,000 व्यूज क्यों आया, मैं एक गेम खेला हूँ, वो गेम के बारे में आप लोगों को दिखाता हूँ, सिखाता हूँ। आ जाओ, सबसे पहले आपको YouTube में आना होगा। YouTube में आने के बाद यहाँ पे जैसे आप YouTube में आओगे, YouTube में आने के बाद कुछ इस तरह का YouTube का सेक्शन दिखाई देता है, इस कोने पे ये वाली प्रोफाइल दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ट्रेंडिंग का ऑप्शन दिखाई देता है, ट्रेंडिंग पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे कुछ इस तरीके से, तो जो भी शॉर्ट वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो शॉर्ट वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हो ये सारा शॉर्ट वीडियो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, इस तरीके से ये जितना भी शॉर्ट वीडियो है ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये शॉर्ट वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी भी, देख सकते हो। तो ये ट्रेंडिंग वीडियो को आपको करना क्या, आप सोचो कि भाई मुझे ट्रेंडिंग वीडियो क्यों दिखा रहा है, तो इस वीडियो को आपको सिंपली से क्या करना है, इस वीडियो पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे इस वीडियो पर क्लिक करोगे वीडियो चालू हो जाएगा। तो इस वीडियो को क्या करना है, सिंपली से शेयर के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे, और यहाँ पे कॉपी कर लेना है, इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना है, यहाँ में गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना है, सर्च बार में जो उस लिंक को कॉपी किए उसको यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे सर्च कर देना होगा। सर्च करने के बाद वो वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हो वीडियो यहाँ पे आ चुका है मेरा। तो अभी इसको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे में देख सकते हो यहाँ पे टाइटल जो है, इस टाइटल पे क्लिक करके यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो कभी कभी यहाँ पे टाइम भी लग जाता है, लेकिन इस टाइटल पे क्लिक करके इस टाइटल को पूरा यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से मैं दिखाता हूँ आप लोग को, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हो इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद जिस शॉर्ट वीडियो को आप अपलोड किए हो उस शॉर्ट वीडियो पे यहाँ पे उस शॉर्ट वीडियो में हम चले जाते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं जो हम कॉपी किए उसको यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में लगा देते हैं। डिस्क्रिप्शन के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में लगा दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं इसको उसी को जो ट्रेंडिंग में से हम कॉपी किए उसको हम क्या करते हैं यहाँ पर टैग में लगा देते हैं, ठीक है। टैग में भी लग गया, डिस्क्रिप्शन में भी लग गया। अभी क्या करना है, जो टाइटल में भी आपको यहाँ पे देख सकते हो वही चीज़ जो आप कॉपी किए हो यहाँ पे कॉपी करके, और जो उसका नाम है यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है उस नाम को सबसे पहले यहाँ पे जो नाम लिखा है उस नाम को यहाँ पे
यहाँ पे देख सकते हो माइनस कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसको क्या करते हैं हम यहाँ से उस नाम को यहाँ पे हम काट देते हैं उसके नाम के, और अपना नाम इसमें ऐड कर देते हैं। देख सकते हो कुछ इस तरीके से ऐड हो गया। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे देख सकते हो ऐड हो चुका है, उसके बाद फिर भी ज़्यादा है। तो अभी क्या करते हैं, अभी वो बहुत ज़्यादा नाम लिखा है, तो क्या करते हैं हम इसमें से तो और थोड़ा नाम हम इसमें कम कर लेते हैं, और इतना हो गया। उसके बाद इस वीडियो को हम सेव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम सेव नहीं हो रहा है तो शायद हमारे टैग्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। टैग्स को हम फिर से वापस लेते हैं, फिर से हमारा आ चुका है यहाँ पे। टैग्स को हम फिर से यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद इस वीडियो को हम यहाँ पे सेव करते थे, वीडियो सेव नहीं हो रहा है हमारा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, तो इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। ये वीडियो हमारा सेव हो चुका है। तो इससे क्या होता है पता आप लोग को, ये करने से क्या होता है आपको आपका जो शॉर्ट वीडियो है ट्रेंडिंग में जाने का बहुत ही ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। क्यों चांस बढ़ता है, क्योंकि आप ट्रेंडिंग का जो टाइटल होता है वही टाइटल आप टैग्स में इस्तेमाल किए हो, डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल किए हो, टाइटल में इस्तेमाल किए हो, तो उससे क्या होता है आपका वीडियो का बहुत ही ज़्यादा चांस बढ़ जाता है ट्रेंडिंग सेक्शन में जाने का। अगर आपका एक भी वीडियो का ट्रेंडिंग सेक्शन में चला जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपके शॉर्ट वीडियो पे कितना सारा व्यू जा सकता है और एक वीडियो से आपको कितना सारा सब्सक्राइबर मिल सकता है। लेकिन ये फार्मूला एक या दो वीडियो में करोगे तो इससे हो सकता है कभी कभी एक वीडियो में काम कर जाए, कभी कभी हो सकता है 15 रोज या 20 रोज या 100 वीडियो या 50 वीडियो में आपको लगाना पड़े। कंटिन्यू अगर इस फार्मूला का इस्तेमाल करोगे 10 से 15 वीडियो में तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ऑल पे सेट कर देना। जब भी मैं किसी सोशल मीडिया से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पर आपको हर सोशल मीडिया से रिलेटिव जानकारी देखने को मिलता रहेगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।